अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह उठने के साथ सबसे पहले मैंने अपना बेड ठीक किया ताकि वापस से सोने का मन ना करे, और बेड अगर सही हालात में होता है तो हमें वापस से उसे ख़राब करने का मन नहीं करता है, तो हम अपने और कामों में लग जाते हैं। सो बेड ठीक करने के बाद एज यू ऑल नो हम गर्म पानी पियेंगे, जो कि मेरा रोज़ का है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। और यहाँ पे गर्म पानी के साथ थोड़ा बाहर अच्छी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा माहौल था, तो बाहर बैठ के ऐसा मेरी मम्मी कहती है कि सुबह सुबह की का हवा अगर फेस पे लगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अच्छा, एक अच्छा सा वॉक लेने के बाद अब मैं अपनी फेवरेट काम करने आ गई हूँ, चाय बनाने के लिए। तो चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत तो नहीं होती। आप में से कौन कौन चाय लवर है मुझे कमेंट करके बताना। तो घर पे रहने का एक फ़ायदा तो है कि हमें अच्छी सी अदरक वाली चाय पीने के लिए मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए एक अच्छी सी चाय। और चाय बनाते बनाते आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि बहुत टाइम बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, बट आई प्रॉमिस कि अब और ऐसा नहीं होगा। अब मैं वापस हमेशा टाइम से ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो एक अच्छी सी चाय और द हिंदू के साथ चलिए आज पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और एक अटेम्प्ट देखकर मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि हम शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं लाइफ में। अगर हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें लंबा रास्ता ही चुनना पड़ेगा एनी हाउ। तो इस बार मैंने शुरू किया है अपने कुछ गोल्स छोटे छोटे, जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर अब एग्ज़ाम के नज़दीक आने पे नहीं बल्कि हर रोज़ करने की कोशिश करूँगी। और चाहे मुझे वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ना पड़े, पर मैं उसे रोज़ कवर करने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मैंने शुरू किया है द हिंदू का एनालिसिस, जो मुझे काफ़ी सही लगा, तो फिर मैं अभी फ़िलहाल इसी से पढ़ रही हूँ। और द हिंदू ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा, और उसके बाद मैंने शुरू किया था पॉलिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने फेवरेट लक्ष्मीकांत के बुक से इसी चैप्टर को पढ़ा जाए, और मैंने यही किया है। और पंचायती राज व्यवस्था के चैप्टर को ही आज पढ़ने की कोशिश की है और इसे कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो 24 अप्रैल हम सब पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के ज़रिए इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसके बारे में लक्ष्मीकांत में बहुत सारे समिति कमिटीज़ की का भी चर्चा किया गया है, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। अशोक मेहता समिति 1977 में, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। ऐसे करके छह कमेटियों की चर्चा जो है इस बुक में की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है फैक्ट के रूप में कि कैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। तो हमने फैक्ट में तो सबने पढ़ा है कि इसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर ज़िले से हुई थी। तो दोबारा से ये पढ़ के अच्छा लगा कि चलो कुछ आ रहा है, कुछ पता है, और हमें एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें पता है। जब हमने शुरू किया था तो शायद हमें कुछ भी नहीं पता था, अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें बहुत कुछ पता है और हम ज़ीरो पे तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें जब बहुत लो फील होने लगता है रिज़ल्ट के बारे में सोच के, तो हम ये सब सोच कर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम एक शावर लिए, और खाने में आज बहुत ही टेस्टी खाना बना था। यहाँ पे रोटी और ये करेले का भुजिया, जो टेस्टी नहीं है, पर ये बेसन की सब्जी जो बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद हमने शुरू किया अपने अगले सेशन की पढ़ाई, और यहाँ पे मैं वर्ल्ड मैप कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो थोड़ा वीक है, तो इसलिए मैंने इस बार जो है ज्योग्राफी से ही अपनी पढ़ाई शुरू की है। ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप कम्प्लीट करूँ, उसके बाद मैं इंडियन मैप करूँ, देन बिहार का तो हम सब ने बहुत बार किया भी हुआ है और रिविज़न तो बीच बीच में चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं वर्ल्ड मैप के नोट्स बना रही हूँ। कल मैंने क्लास कंप्लीट कर लिए थे पर मैं सो गई थी, तो आज मैं उसके नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ।
अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो जब हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक संगठन की चर्चा ज़रूर सुनते हैं जो कि है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यहाँ तक तो हम सबको पता है और आप आई नो आपको तो इससे ज़्यादा ही पता है, तो आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से और कितने देश शामिल हैं। तो आप सब कमेंट करके जल्दी से बताओ, तब तक मैं अपना ये पढ़ाई कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आगे मैं म्यांमार के बारे में पढ़ रही थी और इसका पुराना नाम वर्मा, इसे पहले वर्मा कहा जाता था और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। अगर आप एक बिगिनर हो और आप बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपको बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप बुक रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप कॉन्सेंट्रेट होकर बुक रीडिंग कर पाओगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दूसरी सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं किचन में मम्मी के लड्डू बनाने में हेल्प कर रही थी, ये गुड़ और तिल के लड्डू जो मम्मी ने बनाए थे। और शाम को एक लॉन्ग ड्राइव पे गई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और थोड़ा सा बाहर का हवा भी लगना ज़रूरी है। और मेरी फेवरेट जगह हम मंदिर गए थे। जब भी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो फिर मैं मंदिर जाकर ही अच्छा फील करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे कि कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप मंदिर में जाकर घंटों बैठो, आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।